हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राउंड रॉबिन। सो आज के मैं इस वीडियो में टेक महिंद्रा की तरफ से अपडेट लेके आया हूँ। टेक महिंद्रा की एग्जाम एनालिसिस करने वाला हूँ डे टू की। सो कल मैंने डे वन की एनालिसिस की थी। जो लोग डे वन की एनालिसिस नहीं देखे हैं प्लीज वो जाके आप वीडियो देखे, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ऊपर सजेशन में मिलेगा उसकी लिंक। एंड मैं बता दूं कि आज के मैं इस वीडियो में कोडिंग क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, कोडिंग के मैं आंसर डिस्कस करने वाला हूँ एंड एफटी एंड वर्बल के क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मैं ये भी बताऊंगा कि क्या डिफरेंट क्वेश्चन आए हैं डे वन से एंड डे टू में क्या डिफरेंट क्वेश्चन आए हैं, क्या सेम क्वेश्चन आए, मैं सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। सो इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी माइंड टेक महिंद्रा के एग्जाम में पार्टिसिपेट होने वाले हैं या फिर देने वाले हैं। सो मैं ये बता दूं कि टेक महिंद्रा की जो एग्जाम है वो 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में आप कभी भी दे सकते हैं। सो आपको मेल में ये बात मेंशन होगी, सो आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो। एंड ये भी मैं बता दूं कुछ स्टूडेंट को मेल नहीं आई है तो आप लोग वेट करें, कृपया एक दो दिन आप लोग वेट करें, क्योंकि जब लास्ट टाइम रिक्रूटमेंट हुई थी टेक महिंद्रा की नवंबर में तो उन लोगों ने एक दिन किसी को मेल नहीं किया था, आफ्टर 2-3 डेज भी कुछ लोग को मेल आए थे। सो मैं जस्ट स्टार्ट करता हूँ डे टू एनालिसिस। सो डे टू एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट आपका कोडिंग पार्ट होने वाला है, क्योंकि एक कोडिंग यहाँ है। सो आपका जो थर्ड सेक्शन है वो कोडिंग पार्ट कराता है। फर्स्ट सेक्शन आपका एफटी वर्बल का है, सेकंड सेक्शन आपका एससी राइटिंग का है एंड थर्ड सेक्शन आपका कोडिंग पार्ट का है। सो कोडिंग पार्ट में आपका 26 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन आपका टेक्निकल क्वेश्चन होगा जो कि जेके आईटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी होगा। एंड एक आपका कोड रहता है, सो वो कोड आपको एनी हाउ सॉल्व करना है। अगर वो कोड आप सॉल्व नहीं करते हो तो फिर आपका सिलेक्शन की चांसेस बहुत कम है, क्योंकि लास्ट टाइम जब रिक्रूटमेंट हुई थी टेक महिंद्रा की नवंबर में तो वहाँ पे एक कोड जिन्होंने सॉल्व किया था उनकी ही इंटरव्यू मेल आई थी। सो मैं यहाँ बता दूँ कि कल और आज की मैं डे वन एंड डे टू की मैं डिफरेंस भी बताऊंगा, क्या सिमिलरिटी थी क्वेश्चन वो भी बताऊंगा। सो आज की मैं एनालिसिस स्टार्ट करूँ। सो सेम कोडिंग आ रही है। सो कल जो कोडिंग पूछे गए थे वो कोडिंग ही आज पूछे जा रहे हैं और मे बी नेक्स्ट डे भी वही कोडिंग पूछे जाएंगे। सो आपको एक कोड सॉल्व करना है। सो यहाँ पे इनके पास 5-6 क्वेश्चन है कोड के। सो वही आपका रैंडम कोई भी आपको आ सकता है, वही रिपीट हो रहा है। सो मैं 6 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड शेयर करें एंड राउंड रॉबिन चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोग के लिए डेली का अपडेट आपके लिए लेती हूँ। डे वन, डे टू, डे थ्री डेली आपको अपडेट मिलते रहेगी, ना कि टेक महिंद्रा कंपनी की, बाकी सारे कंपनी की। सो एंड एफटी एंड वर्बल का क्या था? सो एफटी वर्बल में 2-3 सेट है, तो लाइक उनके भी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। सो कल के क्वेश्चन आज आपको रिपीट होंगे। आज मैंने कल के वीडियो में मैंने कुछ डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था, आज मैंने कुछ डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस किया है जो आज पूछे गए हैं डे टू में। सो आप प्लीज दोनों वीडियो को फॉलो करें एंड टेक में भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें भी कुछ क्वेश्चन डिफरेंट है। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सेम है एंड एफटी वर्बल में मोस्ट ऑफ द, और यहाँ पे आपके 6 कोडिंग ही है, 6 कोडिंग के आंसर मैं आपको दे दूंगा, तो कोई भी आप एक बना लेना। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे वेबकैम नहीं है, सो कोई वेबकैम नहीं है, आप फ्री से एग्जाम दे सकते हो एंड क्वेश्चंस जो भी बहुत इजी पूछ रहा है लास्ट में आपका टेस्ट ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। सो डे टू की मैं क्वेश्चन की बात करूँ, सो ये मैं एफटी का क्वेश्चन लिया हूँ, लाइक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 नंबर्स लाइक 590। सो ये आप क्वेश्चन मेंशन कर लो, मार्क कर लो, इसके आंसर मैंने 200 है। सो इसके आंसर मैंने सॉल्व करके 200 आपको बता दिया। सो आप ये मार्क कर लेना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप 200 इसे क्लिक करके मतलब मार्क कर सकते हो लाइक विद इन द सेकंड। सो यहाँ पे एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन मैंने लिया है। सो ये कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था बट फॉर्मूला बेस्ड था। सो यहाँ इसका आंसर यहाँ पे 12,000 है। सो मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं लिखा है, सो मैंने टाइम वेस्ट नहीं करना चाहा, लाइक मैंने डायरेक्ट आंसर आपको यहाँ पर मैंने लिख दिया। सो इसका आंसर 12,000 है। जो मैं थर्ड क्वेश्चन है वो लिस्ट नेचुरल नंबर सिस्टम से रिलेटेड था एंड रेशियो भी इसमें रेशियो प्रोपोर्शन इन्वॉल्व था। सो इसके आंसर 6 है। सो आप इसे मार्क कर लो। एंड नंबर 4 जो क्वेश्चन है अगेन, सो रेशियो प्रोपोर्शन से अच्छे क्वेश्चन है, लाइक आपको यहाँ पे एप्टीट्यूड में आपको 5-6 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं रेशियो प्रोपोर्शन से, लाइक 3-4 क्वेश्चन। तो यार रेशियो प्रोपोर्शन का एक मैंने और क्वेश्चन लिया है, सो बहुत स्टूडेंट के लिए ट्रिकी होता है रेशियो प्रोपोर्शन, दैट्स व्हाई मैंने सोचा रेशियो प्रोपोर्शन के मैंने आंसर क्वेश्चन डिस्कस कर दूँ। सो इसके आपके ये आंसर है, सो आप इसे इजिली कर सकते हो अगर आपके सेट में ही क्वेश्चन आता है तो। फिर आज एक क्वेश्चन देखा गया है, शायद लो एवरेज से क्वेश्चन एक आई थी, लाइक एक स्टूडेंट मेरे ने मॉर्निंग में जो दिया था, सो एवरेज का क्वेश्चन था। सो इसका आंसर 65 है, आप मार्क करें इसे। एंड एक फिर रीजनिंग की मैं डिस्कस करूँ, सो रीजनिंग में ऐसा आता है लाइक हेलो इस कोड है 35, तो आपको यहाँ पे सिमिलर करके देखना पड़ेगा। ऑनेस्ट का कोड है 48, सो आपको यहाँ पे सिमिलर करके देखना पड़ेगा कैसे कोड हो रहा है। सो यहाँ पे पूछा था हिस्टोरिक का कोड क्या होगा, सो इसके आंसर 80 है, सो आप इसको इजिली मार्क कर सकते हो। फिर आपको एक या सो प्रॉफिट एंड लॉस एक क्वेश्चन था, सो इसका आंसर 40 है। सो आप देख सकते हो जॉय सेल्स ऐसा आर्टिकल RS56, तो इसका ऐसा है, तो आप यहाँ 40 आंसर है। तो आप इस सब क्वेश्चन मार्क कर लेना, लाइक आपको इजी होगा डायरेक्ट आप आंसर। सो ऐसे क्वेश्चन आज पूछे गए हैं डे टू में, सो मोस्ट प्रॉब्ली आपसे पूछे जाएंगे लाइक डे थ्री, डे फोर, डे फोर में। सो मैं तो बोलूंगा कि आप डे फोर को एग्जाम देना ज्यादा प्रेफर करो। सो आप लोग वॉच करो, डे थ्री को भी दे सकते हो, लेकिन डे फाइव को थोड़ा सा रिस्की रहेगा लाइक सर्वर इशू या कुछ भी, लेकिन आप डे फाइव को भी दे सकते हो, इट्स योर चॉइस। एंड सो या
एंड ये आपको वर्बल की मैं डिस्कस कर दूँ, सो वर्बल भी बहुत इजी थे, लाइक ऐसे रेस्ट एंड फिनिश्ड प्रोजेक्ट ऑन टाइम, सो ऐसे आप थे, मैंने आंसर भी दे दिया लाइक द प्रेसिडेंट अलॉन्ग विथ मिनिस्टर आर रेस्पेक्टेड शॉर्टली, सो ऐसे आप वर्बल के भी देख सकते हो. सो पेशेंस का सेनोनिम आज पूछा गया है, सो बहुत ईजी था लाइक ऐसे क्वेश्चन से. तो जो सबसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बोला है, ऐसे कोडिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. सो डे वन एंड डे टू के जितने भी कोडिंग क्वेश्चन पूछे गए मैंने इस वीडियो में पूरा डिस्कस किया, लाइक कल के जितने भी टेस्ट दिए स्टूडेंट लोग, आज जितने भी टेस्ट दिए, सो सिक्स कोडिंग है, सिक्स कोडिंग क्वेश्चन है, 5 to 6 कोडिंग क्वेश्चन, मैंने सारे क्वेश्चन मैंने उसके आंसर आपको देने का कोशिश किया डिफरेंट लैंग्वेज में. सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैक्स डिफरेंस कोड, सो ऐसा आपका टाइटल रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन में टाइटल रहेगा मैक्सिमम डिफरेंस, सो इसका मैंने आंसर यहाँ पे दिया है. सो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप ये आंसर यहाँ देख सकते हैं कोडिंग की, या सो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं. जो सेकंड क्वेश्चन है वो नंबर ऑफ आइटम्स इन एरे, सो लाइक कोड भी बहुत बेसिक है, सो आप इसे खुद से भी कर सकते हैं, लाइक अगर नहीं हो रहा है आपसे तो आप यहाँ देख सकते हैं नंबर ऑफ आइटम्स इन एरे, सो ये मैंने जावा में करके दिया है, सो यहाँ पे आप इजिली देख सकते हैं. एंड जो थर्ड कोड है, सो लाइक फाइंड ऑड इवन डिफरेंस, सो ऑड इवन डिफरेंस करके आपका एक टाइटल आएगा, कोड आएगा, सो आप उसको पाइथन में कर सकते हैं. सो पाइथन में मैंने सॉल्व करके देखा है, तो आप वीडियो को पॉज करके जरूर कोड लिख ले कहीं पे, सो आपको आसानी होगा जब आप एग्जाम दे रहे हो तो आप इसे इजिली बना सकते हो. जो फोर्थ क्वेश्चन है वो डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, सो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट का डिफरेंस ऐसा क्वेश्चन था, सो मैंने जावा में इसे किया, सो ये सो मैंने इसे रन करके भी देखा है, सो आपका आउटपुट भी आ रहा है लाइक, तो आप इसे मैच कर सकते हो. ये आपका कोड है जावा में, तो आप वीडियो पॉज करके जरूर देखें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें एंड आर नोमिन चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह मैं अपडेट देते रहूँ हर हर डे की, टेक महिंद्रा की नहीं मतलब बाहर सारे सारे कंपनी की आपको अपडेट यहाँ पर मिलते रहेगी. एंड जो फिफ्थ क्वेश्चन था वो टोटल फिट निकालना है, सो ये मैंने पाइथन में करके दिया है, सो टोटल फिट सो पूछा जा रहा है लाइक. अब ये 5 to 6 क्वेश्चन है, इसी में से एक क्वेश्चन आपको पूछ जाएंगे, कोड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोड नहीं करते हो तो फिर आपका सिलेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट राउंड के लिए, लाइक कोड मस्ट है, लाइक आप कोड सॉल्व करते हो तभी आपको इंटरव्यू के लिए किया जाएगा. सो यार एंड आप पॉज करके जरूर देखें, लार्ज स्मॉल डिफरेंस, सो इसके मैंने ऊपर भी कोड दिया था बट वो जावा में था, सो यहाँ पे मैंने सी लैंग्वेज में किया है, सो किसी का अगर जावा में कभी कभी कंपाइलर का प्रॉब्लम होता है, कोड एग्जीक्यूट नहीं करता है, तो आप दूसरा लैंग्वेज ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे आपके सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन चार लैंग्वेज है बेसिकली, सो आप यहाँ इसको ट्राई कर सकते हो. सो ये रहा कोड, सो कोड कोड आप बहुत इंपॉर्टेंट है, कोड को आप अच्छे से देखें, आंसर नोट कर ले एंड आप इसे इजिली बना सकते हैं, आपको बहुत बेनिफिशियल होगा ये वीडियो, आप इस वीडियो को प्लीज़ फॉलो करें एंड ये कोड सर है आपके रन करेंगे. सो मैंने आपको रन करा के आपको ये भी एग्जाम्पल भी दिया है, लाइक आप ऐसा नहीं हो कि आपका कोड नहीं रन करे, सो आपका कोड भी रन करता है, मैंने एक एडिटर पे आपका कोड रन करवा के स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. सो ये कोडिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्टी वर्बल भी इजी आ रहा है, सो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, लाइक मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिया है, आपको मैंने जस्ट अवेयर करा दिया किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, डे टू में किस टाइप का क्वेश्चन आया है, सो कुछ क्वेश्चन सिमिलर आए हैं, मैंने डे वन की क्वेश्चन एनालिसिस की थी कल, वो वीडियो भी आप जरूर देखें, उसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस की थी, कोड क्वेश्चन डिस्कस की थी, एप्टी वर्बल डिस्कस की थी, सो ये बहुत आप लोग के लिए बेनिफिशियल होने वाला है वीडियो, आप प्लीज़ इस वीडियो को फॉलो करें एंड मैं कुछ आपको बता दूँ, सो कुछ लोग को मेल नहीं आए तो आप लोग प्लीज़ वेट करें, सो मैं कुछ टेक्निकल क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर दूँ, लाइक सेक्शन 3 में आपका 65 मिनट का होगा, जिसमें एक कोडिंग होगा, 25 MCQ टेक क्वेश्चन होंगे जो कि IT JK बेस्ड होंगे, कुछ आपके कंप्यूटर फंडामेंटल से क्वेश्चन होंगे, सो यहाँ पे आपके आप कोडिंग में 30 to 40 मिनट दो एंड आपका ये 20 मिनट में आपका ये हो सकता है, सो 10 से 12 मिनट मैंने मिनिमम लिखा है, आप 20 मिनट लेकर चलो, तो ये सारे क्वेश्चन है, आप इस एक बार इससे गो थ्रू हो जाओ, लाइक उन्होंने पूछा था द वेबसाइट डैट इज मोस्ट पॉपुलर अमंग प्रोग्रामर, सो स्टैक, सो बहुत ईजी है, बाइनरी भी पूछ सकते हैं, सो मैंने यह दिया है, सो आप एक बार इससे गो थ्रू हो जाना, लाइक ऐसे आपको क्वेश्चन नहीं, सो ये आपका बहुत अच्छा है, सो आप इसको जरूर कर लो. सो आपको मैं इंपॉर्टेंट डेट एक बार बता दूँ, लाइक आपका 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक जो फर्स्ट बैच अलॉट हुई है उनकी रिटर्न एग्जाम होगी, मे बी कुछ स्टूडेंट का बाद में आए तो 7 और 8 16 अप्रैल तक आपका रिटर्न और इंटरव्यू हो जाएगा एंड देन आपका शॉर्टलिस्टेड हो जाएगा, 17 से 23 के बीच में आपको ऑफर लेटर मिलेगी, 26 अप्रैल से आपका ऑनबोर्डिंग हो जाएगा. सो थैंक यू वेरी मच, आप प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ऑल द बेस्ट एंड आप मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी, आपके कोडिंग क्वेश्चन डिफरेंट तो नहीं है, मैं फिर से आपको अपडेट देते रहूँगा टेक महिंद्रा की तरफ से जो भी होगा एग्जाम एनालिसिस, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू.